Hi, मैं डॉक्टर अदनान फिरोज खान, आई एम ए कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट फिरोज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन अलीगढ़। आज हम ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके कई साल पहले दोनों कूल्हे जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। इनका जो कूल्हे का जो सर होता है, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है इसमें, जैसे ये हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में जो ब्लड सप्लाई होता है वो इस एरिया में ख़राब हो जाता है। और इन पेशेंट्स का यही हुआ था कि ये दोनों हिप जॉइंट जो है वो ख़राब हो चुके थे और ये टोटली जो ये सर्कुलर शेप होता है ये पूरा फ्लैट हो चुका था। तो ये अचन साहब हैं हमारे, ये कहाँ अचन कहाँ से हो तुम, कासगंज हाथरस आए थे ये। और ये जिस दिन आए थे ये बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे, सीवियर पेन था। अचन बताओ प्रॉब्लम क्या हुई, शुरू कैसे हुआ था ये? पहले मेरे दर्द होता था, उसी के दर्द होते होते चाल खत्म हो गई, लंगड़ा के चलते थे जब तुम, मुझे याद है जब तुम आए थे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मतलब चाल खत्म हो गई थी तो पैर को खसेड़ के चलते थे। मैं उस वक्त वीडियो नहीं ले पाया जब ये, क्योंकि ये ऑपरेशन करे हैं मुझे करीब 8 साल हो गए। इस हिप का ऑपरेशन 8 साल पहले करा था मैंने, इसमें कूल्हा बदला था, और इस हिप का ऑपरेशन मैंने करीब 4 साल पहले करा था। दोनों ही में मैंने वो जो ख़राब हो गया था कूल्हा वो दोनों निकाल के और पूरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा था मैंने। तो जब तुम 8 साल पहले आए थे तो ये शुरू हुआ कैसे, मतलब प्रॉब्लम क्या हुई? जॉइंटों में दर्द होता था तो कुछ, मतलब ये ख़राब कैसे हुआ, कुछ दवा लेते थे जिसके लिए? दवा उसकी दवा चली जाए बैंकों से ले लेते और डॉक्टर लोगों से भी दवा लेते, तो वो दर्द होता रहा, तुम दवा लेते दवा लेते रहे और काम करते रहे सूजन भी आ जाती थी कई कई बार, मतलब उनको पैर उठता ही नहीं था, फिर अगर गोली खा ली फिर काम करने लगे, उसी की वजह से तो ये 8 साल पहले जब आए थे यहाँ पे तो इनका राइट लेफ्ट हिप टोटली डैमेज हो गया था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये जो सर्कल शेप होता है ये पूरी तरह से फ्लैट हो चुका था। और ये ख़राब क्यों होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग को ये नहीं पता होता ख़राब क्यों होता है, या तो बहुत से लोग दवा लेते रहते हैं इधर उधर से, उन दवाओं में ये नहीं पता होता है क्या। स्टेरॉइड्स ऐसे ही नहीं देने चाहिए किसी पेशेंट्स को, जब स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म तक देता है किसी पेशेंट को तो ये जॉइंट्स को ख़राब करने लगते हैं। हो सकता है अच्छा ऐसे ही दवा लेता रहा था, जितने भी अवेयर डॉक्टर्स होते हैं या आसपास के डॉक्टर्स होते हैं जो पुड़ियों में दवा देते हैं, हमें नहीं पता होता तो उसमें है क्या। हो सकता है स्टेरॉइड की दवा दे रहे हों जिससे दर्द बिल्कुल कम तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बोन्स को गलाने लगता है। स्टेरॉइड की वजह से, एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या किसी को बहुत पुरानी चोट लगी हो या इन्फेक्शन हो गया हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसी की वजह से एक जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, वो ख़राब होने लगता है। और अगर इसे सही टाइम में इलाज नहीं करा तो ये टोटली डैमेज हो जाता है और फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। एक जैसे यहाँ पे बस आप लोगों को समझाने के लिए, ये नॉर्मल शेप होता है हम लोगों का, हिप जॉइंट का नॉर्मल शेप होता है और ये ब्लड फ्लो होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये शेप मेंटेन रहेगा, जैसे ये ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे तो ये जॉइंट जो है डैमेज होने लगता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब अगर पेशेंट, ये इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जॉइंट्स के, आपको ये स्टेज 1 है। अगर ये स्टेज 1 में पेशेंट को सिर्फ पेन होने लगता है, पेशेंट को कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, एक्सरे भी नॉर्मल आते हैं, हर चीज़ नॉर्मल आती है, लेकिन अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम लोगों ने MRI करा लिया तो MRI में ब्लड फ्लो कम होने लगता है, हमें ये पता चल जाता है। अगर ये पेशेंट इस स्टेज 1 या स्टेज 2 में आता है हमारे पास जिसमें ये हिप जॉइंट ख़राब है, तो इसमें हम लोग कभी कभी ड्रिलिंग करते हैं, यहाँ से ड्रिल लगा के और यहाँ पे 3.5 mm के कुछ सुराख कर देते हैं इसी बोन में। तो जब सुराख हो जाता है तो कुछ पेशेंट्स में ब्लड फ्लो फिर से चलना शुरू हो जाता है, जब ब्लड फ्लो फिर से आने लगेगा तो हिप जॉइंट फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स में ये ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होता और ब्लड फ्लो ख़राब होता रहता है और हिप जॉइंट इनका, पेशेंट्स का, ख़राब होते होते एकदम फ्लैट हो जाता है। एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग ये हिप रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, एनिमेशन है जो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये टोटली डैमेज जॉइंट है हिप का, ये हिप पूरा ख़राब हो चुका है इस पेशेंट का। इसमें हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इंसीजन बनाते हैं, ये एनिमेशन है यूट्यूब में, इट इज़ नॉट माय वीडियो, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इट
इट बिकम्स ईजियर। तो हम लोग ये पूरा जोड़ खोलते हैं, यहाँ से मसल निकालते हैं, ये जोड़ जो ख़राब हो चुका है इस जोड़ को निकाल देते हैं हम यहाँ से। सौ मशीन होती है हम लोगों की ओटी में, उससे हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो पेशेंट को पेन रहेगा, तो ये पूरा हिस्सा हम लोग को निकालना पड़ता है। ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब ये हिस्सा हम लोग निकाल देते हैं, ये टोटली डैमेज है। अब जब ये निकाल देते हैं तो बचा कप, ये सॉकेट है और ये बॉल है। अब हम लोगों को कप को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये कप दो तरीके का आता है, एक सीमेंटेड आता है, एक नॉन सीमेंटेड आता है। हम सीमेंट से भी फिक्स कर सकते हैं और विदाउट सीमेंट से भी फिक्स कर सकते हैं। इसकी भी वैरायटी आती है, मेटल का भी होता है और सेरेमिक का भी होता है। सेरेमिक का थोड़ा कॉस्टली होता है, मेटल का थोड़ा चीप होता है। तो हम लोग कप यहाँ लगा देते हैं, एंगुलेशन वगैरह सब चेक करते हुए कप लग जाता है। उसके बाद हम लोग ये जो फीमर है, जो बोन है, थाई बोन है, इसको हम लोग टनल बनाते हैं जिसमें हम अपना स्टेम लगाएंगे। फीमर जब लग जाते हैं अच्छे से, इसमें भी दो तरीके का आता है, सीमेंट वाला भी आता है और अनसीमेंटेड भी आता है। सीमेंटेड वाला थोड़ा सा चीप होता है, अनसीमेंटेड थोड़ा सा महंगा होता है। तो ये हम लोग ऐसे लगा देते हैं। जब ये स्टेम लग जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग बॉल लगाते हैं। इस बॉल की भी वैरायटीज होती है, ये बॉल मेटल का भी आता है और पॉली का भी आता है। तो इस तरह से ये पूरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट का हो जाता है। तो अचंत साहब में हम लोगों ने लेफ्ट हिप में 8 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट करा था और राइट साइड में हमने 4 साल पहले करा था। ये इनके एक्सरेज हैं जो आप देख रहे हैं, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। इट्स बीन अराउंड 10 ईयर्स। अचंत, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है हिप में? बिल्कुल खुश हो इस ऑपरेशन से? यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? कोई बिल्कुल कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं? इनके बाद इनके एरिया से काफ़ी मरीज आए, काफ़ी हिप्स मैंने बदले हैं। एक बार चल के दिखा दो अच्छा। वॉकिंग परफेक्टली फाइन, इनको देखकर लगेगा भी नहीं कि इनका जोड़ ख़राब था। और इज वेरी हैप्पी विद द ऑपरेशन। जब ये आए थे पहली बार तो कैसे एकदम ऐसे चल रहे थे, मतलब चल ही नहीं पा रहे थे, वेट डाल ही नहीं पा रहे थे इसका। तो कहने का मतलब यह, अगर हिप में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है, बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है और लोग समझते हैं कमर का दर्द है। बहुत से लोगों को घुटने में पेन होने लगता है, वो समझते हैं घुटने का पेन है, लेकिन ये सब पेन कभी कभी हिप से ताल्लुकात रखते हैं। ऑलवेज शो अ गुड डॉक्टर, कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे करें, जो वो राय दे उसको फॉलो करें आप लोग, ठीक है। इनिशियली हो सकता है आपका हिप बच जाए, कभी कभी कुछ दवाएँ होती हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में काम कर जाती हैं। हो सकता है एक ड्रिल करके कुछ लोगों में यह ब्लड फ्लो चलने लगता है, और अगर नहीं होगा तो फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। सो दिस इज द मैसेज विच आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू।